मलापहारे बारे पूरे भूरे मंडिता मृताओ वशं प्रपातक प्रपंचनाति पंडितानिशं सुनंद नंद नाग शंग रांग राजिता हिता धुनोते मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा कलिंद नंदिनी सदा। मेरा प्यारा वृंदावन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबको यमुना जी के दर्शन कराने के साथ ही साथ यमुना अष्टक की स्तुति भी आप सबको सुनवाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा महाराज जी के साथ, क्योंकि यमुना जी की आरती आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, यमुना जी का दर्शन किया होगा, यमुना जी में स्नान किया होगा, और यमुना अष्टक जो है वो नहीं सुने होंगे तो उसको सुनवाएंगे। पहले यमुना मैया का पूरा दर्शन करिए। देखिए शाम का समय हो रहा है और शाम के समय भक्तगण जो है यमुना मैया में स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, वही पुरानी परंपरा जैसे हमारे नदियों के, चाहे यमुना हो जी हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे सरयू मैया हो, उसके किनारे ब्राह्मण पंडित जी बैठे रहते हैं, वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था रहती है वहाँ पे। अब पुराने समय पे तो अब धीरे धीरे मोबाइल के टाइम पे बहुत चीज़ें कम हो रही हैं, नहीं तो शीशा होता था, कंघा होता था, लोग स्नान करते थे और शीशे में निहार कर तिलक करते थे। अब वो सारी व्यवस्था मोबाइल के टाइम पे महाराज जी कम बंद हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी परंपरा का निर्वहन महाराज जी लोग कर रहे हैं। तो महाराज जी से यमुना अष्टक सुनेंगे। तो महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। राधे 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 जी। श्री यमुना अष्टकम यमुना मैया की जो हो। मुरारे काय काली माल लाम वारे धारणी त्रिणी कृति विष्ट पाथि लोक शोक हारणी मनोल कूल कूल कुंज पुंज दूत दुर्मदा धुनोत मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा कलिंद नंदिनी सदा। जो भगवान कृष्ण के अंगों की नीलमा लिए हुए मनोहर जो धारण करती हैं, त्रिभुवन का शोक हरने वाली होने के कारण स्वर लोक को तृण के समान सार ही समझती हैं। जिसके मनो तट पर निकुंजों का पुंज वर्तमान है, जो लोगों का द्रुम दूर कर देती हैं, वो कालिंदी यमुना सदा हमारे आंतरिक मल को धोवे। मला पहारे बारे पूरे भूरे मंडिता मृताओ वशं प्रपातक प्रपंचनाति पंडितानिशं सुनंद नंद नाग शंग रांग राजिता हिता धुनोते मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा कलिंद नंदिनी सदा। जो मला पहाड़ी शैल समूह से अत्यंत शोभित सुशोभित हैं, मुक्तिदायक हैं, सदा ही बड़े बड़े पातकों को लूट लेने में अत्यंत प्रवीण हैं, सुंदर नंद नंदन के अंग स्पर्श जन राग से रंजित हैं, सबकी हितकारिणी हैं, वो कालिंदी यमुना सदा ही हमारे मानसिक मल को धोवें। लसत रंग संग धूत भूत जात पात का नमीन माधुरी धुरीण भक्त जात चात का तड़ांत वास दांस हंस हंस दाहि कामदा धुनोते मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा कलिंद नंदिनी सदा। जो अपनी सुहानी तरंगों के संपर्क से समस्त प्राणियों के पापों को धो डालती हैं, जिसके तट पर नूतन मधुमा से भरे भक्त रस के जनेक चातक रहा करते हैं, तट के समीप वास करने वाले भक्त रूपी हंसों से जो सेवी रहती हैं और उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, वो कालिंद कन्या यमुना सदा हमारे मानसिक मल को मिटावें। बिहार रास खेद भेद धीर तीर मारुता गथा गिरा में गोचरे यदि अनिरु चारुताओ प्रवाह साह चर्प पूत भेद नीन दीन दाओ तुनोत मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा कलिंद नंदिनी सदाओ। जिसके तट पर बिहार और रासविलास के खेत को मिटा देने वाली मंद मंद वायु चल रही है, जिसके नीर की सुंदरता का वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, जो अपने प्रवाह के सहयोग से पृथ्वी नदी और नदों को पावन बनाती हैं, वो कालिंद नंदी यमुना सदा हमारे मानसिक मल को दूर करें। तरंग संग सहकतांशितांतराश दासिताओ सर निशा करा शुभ मंज मंजरी शाजिताओ भवार्चनाय चारुणा बुना धुना विशारदाओ धुनोते मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा कलिंद नंदिनी सदा। लहरों से संपर्कित बालुका मैटर से जिसका मध्य भाग शोभित है,
जिसका वर्ण सदा ही श्याम रहता है, जो शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणें में मनोहर मंजी से अलंकृत होती हैं और सुंदर शैल से संसार को संतोष देने में जो कुशल हैं, वो कालिंद कन्या यमुना सदा हमारे मानसिक मल को नष्ट करें। जलांत केले कारे चारु राधिका गढ़ गिरी स्वभर्त रत्न दुर्भांगतांगता शैभांगनी सुदप्त सुप्त सप्त सिंधु वेदनाति को विदा धुनोते मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा कलिंद नंदिनी सदा। जो जल के भीतर क्रीड़ा करने वाली सुंदरी राधा के अंगराग से युक्त हैं, जो अपने स्वामी श्री कृष्ण के अंगस्पर्श सुख का जो अन्य किसी के लिए दुर्लभ है वो करते हैं, जो अपने प्रवास से प्रशांत सब समुद्रों में हलचल पैदा करने में अत्यंत कुशल हैं, वो कालिंद यमुना सदा हमारे अंतिम मल को धोएं। जल अच्युता अच्युतांग रंग लंपटाली शालिनी बिलोले राधिका कचांत चंप काली मारणी सदा वंगा हनावतीन भृत्य भृत्य नारदा तुनोते मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा कलिंद नंदिनी सदा। जल में घुलकर गिरे हुए श्री कृष्ण के अंगराग से अपना अंग शान करती हुई सखियों से जिनकी शोभा बढ़ रही है, जो राधा की चंचल अलकों में गुथी हुई चंपक माला से माधानी हो गई हैं, स्वामी श्री कृष्ण के भक्त नारदा जिसमें सदा ही स्नान करने के लिए आया करते हैं, वो कालिंद कन्या यमुना हमारे अंतिम मल को धो डालें। सदैव नंद नंद के लिशाल्य कुंज मंजुलाओ टटोट फुल मल्लिका कदम्ब भेण सुजलाओ जलावांगा ही नानना भैवाब्द सिंधु पारदा दुनोते मे मनोमलन कलिंद नंदिनी सदा। जिसके तटवर्ती मंजुलि को सदा ही नंदनंदन श्री कृष्ण की लीलाओं से शोभित होते हैं, किनारे पर बढ़कर खिली हुई मल्लिका और कदम के पुष्पराग से जिसका वर्ण उज्जवल हो रहा है, जो अपने जल में डुबकी लगाने में मशोभ भव सागर से पार करते हैं, कालिंद कन्या यमुना सदा ही हमारे मानसिक मल को दूर करें। भावें यमुना मैया की जय हो, गोवर्धन पर्वत की जय हो, कात्यायनी देवी के 88 ऋषियों की, तैतृका देवताओं की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की ऋषा हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों सद्भावना हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, यमुना मैया की जो भक्त और भगवान की जय हो। तो अभी महाराज जी ने जो है पंडित जी ने पूरी बताई यमुना मैया की महिमा, और यमुना जी के तट के एकदम किनारे पर बैठे हुए और बहुत ही भावपूर्ण से महिमा को बता रहे थे। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारा भारतीय संस्कार है। भले ही आज बहुत सारे देश में फ्लाईओवर बन गए हों, मॉल हो गए हों, आधुनिक कल्चर आ गया हो, होटल्स हों, लेकिन भारत की आत्मा ऐसे ही नदियों के किनारे बसती है, भारत की आत्मा ऐसे ही तीर्थस्थलों पे बसती है, भारत की आत्मा ऐसे ही यमुना मैया के किनारे बसती है। और तभी आज तक आधुनिक युग होने के बाद भी, इतनी तरक्की होने के बाद भी, लाखों की संख्या में भक्तगण यमुना मैया के दर्शन के लिए आ जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो चारों तरफ यमुना जी के किनारे अगर देखेंगे तो भक्तगणों की बैठी टोलियां आप देखेंगे, कोई भजन कीर्तन कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, तो कहीं पंडित जी बैठकर जो है वाचन कर रहे हैं। तो आधुनिकता भले ही बढ़ गई हो, लेकिन भारत की संस्कृति को बचाने का काम ऐसे पंडित जी, ऐसे महाराज जी लोग बाखूबी कर रहे हैं।